उज्जैन बड़नगर के पिपलू गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का समापन हुआ। विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले गांव पिपलू में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां पर विजेता उपविजेता टीमों को शील्ड प्रमाण पत्र और नगद 21,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेकंड रही टीम के खिलाड़ियों को 11,000 रुपये शील्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही चतुराईपूर्ण गेंदबाजी डालते हुए जद्दू लेग बाई का रन और बढ़ता हुआ स्कोर 25 है 31 रन। सॉरी यार चौधरी जी, कौन है प्रताप और उसको हल्के से घुमाना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट की और क्रिकेट की भाषा पकड़ो कैच जीतो मैच। मिस फील्डिंग और नतीजा 4 रन। इसी कार्क बालों का टूर्नामेंट होता है। अब नए युवा वर्ग टेनिस बाल से टूर्नामेंट करवा रहे हैं और मुझे आशा है कि हमारे गांव से अच्छी प्रतिभा निकलेगी एवं जिले का गांव का मध्य प्रदेश का एवं भारत का नाम रोशन करेगी। तो से आप लोग आयोजन करते हैं और कहां कहां की टीमें यहां पर पहुंचती है और क्या रहता है? करीब 25 या 30 साल से यहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। हमारे यहां लेदर बाल और कार्क बाल से टूर्नामेंट होता है। बहुत सी टीम आई है यहां से और बहुत सी टीम जीत के गई है। केसुर हो चाहे नागदा हो और बर्नर की टीम हो, हमारे यहां से आदर्श खिलाड़ी निकले हुए हैं। हाँ भाई साहब, आज जो विजेता उपविजेता जो टीमें रहेंगी उनको किस प्रकार से राशि देगी, क्या पुरस्कार रहेंगे और किस प्रकार सम्मानित करेंगे? विजेता टीम को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उपविजेता टीम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।